हेलो दोस्तों, मैं आकाश सिंह स्वागत करता हूं आपका आईटीआई स्टडी पॉइंट चैनल में। मैं आज को आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पार्ट है फ्री हैंड स्केच, उसके बारे में। इससे पहले मैंने आपको वॉल पिन हैमर के बारे में पढ़ाया था, तो उसके बाद सेकंड आता है क्रॉस पिन हैमर। तो पहले तो हम इसके बारे में इसकी डिटेल थ्योरी समझेंगे, उसके बाद इसका हम डायग्राम समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो उसका हम प्रयोग देखते हैं। सबसे मेन चीज़ पार्ट होता है कि प्रयोग, जैसे कि क्रॉस पिन हैमर, इसका मेन यूज होता है कि नालियाँ बनाने में, आंतरिक कोने तथा चैनल आदि बनाने में किया जाता है। किसी भी टूल का मेन चीज़ होता है कि उसका यूज कहाँ होता है। सबसे ज़रूरी होता है कि उसका यूज, उसी से उसकी पहचान भी होती है, ठीक है। उसके बाद में इसमें मेन पॉइंट आता है एक भार, कि हर हैमर का भार जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इसका जो भार होता है 0.125 kg to 1.5 kg, मतलब 125 ग्राम से 1.5 किलो लगभग इसका होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका आता है मटेरियल। इसका जो मटेरियल होता है वो कास्ट स्टील या ड्राफोर्ज स्टील का बना होता है। तो ये इसकी हो गई थ्योरी। इसके बाद में जो मेन चीज़ होता है इसका डायग्राम, क्योंकि ड्राइंग के लिए मेन चीज़ होती है इसके डायग्राम ही, जो कि फ्री हैंड स्केच में 5 नंबर या 3 नंबर में आ जाता है। तो इसको रफ करते हैं, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पिन बनाते हैं। पहले एक सीधी लाइन खींच दें उसको, उसके बाद में नीचे की तरफ ऐसे तिरछी लाइनें लाते हैं, फिर इसको हाफ राउंड में ऐसे घुमा देते हैं दोनों साइडों में बराबर, फिर इसको अंदर की साइड में घुमा देते हैं, इसे दोनों को बराबर आना चाहिए, फिर इसको फिर बाहर की साइड में घुमाते हैं दोनों को बराबर, फिर इसको यहाँ से सीधा कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको यहाँ से घुमा देते हैं और इस लाइन को यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है, और इस लाइन को हम यहाँ से मिला देते हैं। यहाँ पे हम इसका आई होल बना देते हैं, ठीक है। फिर इसी के सीध में तिरछा जाता हुआ इसका हम हैंडल बनाएंगे। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है क्रॉस पिन हैमर बनाना। यहाँ पे इसका हम लकड़ी बना देंगे जो कि हैंडल से बाहर हमें आई होल में दिखेगी। इसमें जब हैंडल ढीला होता है तो इसी में बैज लगाई जाती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पच्चर। अब इसको हम क्रॉस पिन हैमर दिखाने के लिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा 3D शेप में इसको ऐसे घुमाएंगे 30 डिग्री पर। ये लाइनें थोड़ी इधर घुमाते हैं दोनों को, और ये लाइन, फिर इसको इसी बिल्कुल बराबर में लाना है मुझे, तो ये हमारा क्रॉस पिन हैमर बनके तैयार हो गया है। तो इसकी जो पिन है इसको यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेट पिन की जैसे दिखने लगा था, तो यहाँ से इसकी पिन को चेंज कर दिया गया। उसमें क्या था, यहाँ पे जो ये लाइन थी थोड़ी सी लंबी थी, इसको यहाँ से इसको छोटा करना क्रॉस पिन में, और इसको टेपर में थोड़ा लंबा ले जाना है। सिर्फ इतना इसमें पिन में ही थोड़ा चेंजिंग होता है, उसमें बाकी सब नीचे का सेम ही रहता है। चाहे बॉल पिन हैमर बनाओ, चाहे क्रॉस पिन बनाओ या स्ट्रेट पिन बनाओ, नीचे का जो पोर्शन होता है वो सेम ही रहता है, सिर्फ ऊपर पिन में ही थोड़ा सा चेंज करना होता है। तो उसके बाद हम इसका हैंडल
तो बन गया है, लेकिन हैंडल जो हम आगे इसको फ्रंट से देखेंगे तो सिर्फ हैंडल दिखेगा, बैक में जो मेटल है हैमर का वो नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पे ये दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि कोई भी लकड़ी की चीज़ होती है, मेटल होता है, तो उसमें हम लकड़ी की डायमेंशनिंग देते हैं ऐसे करके। इसमें थोड़ी सी जगह कम है इसलिए हैंडल पूरा नहीं बन सकता, फिर भी हम इसको इसके पार्टों को दर्शाते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले ए सी रहा हमारा होता है पिन, ये पिन होती है, इसी से हम आकार वगैरह देते हैं, इसी से इसमें चैनल बनाए जाते हैं, नालियां बनाई जाती हैं और कोनों में इसी से हैमरिंग की जाती है। उसके बाद हमारा ये जो सिरा होता है जिसमें हैंडल पड़ता है वो होता है आई होल, इसकी शेप जो होती है वो अंडाकार होती है, और अगर हम हमारा आई होल में हैंडल जो होता है अगर ढीला रहता है तो उसमें हम एक लकड़ी की छोटी सी चिप्स लगाते हैं जिसे हम बेज बोलते हैं, बेज को हिंदी में बोलते हैं पक्चर। बेज उसके बाद में जो हमारा बीच का भाग होता है पीन और फेस को छोड़ के, बीच का जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं चीक, इसे सॉफ्ट ही रखा जाता है। तो इसके बाद में जी हमारा हो गया नीचे वाला फेस। फेस से क्या होता है, अगर कहीं किसी जगह पर हमें ठोकना पीटा, साधारण भाषा में ठोकना पीटना है तो फेस का इस्तेमाल करते हैं, किसी जगह पे आकार देना है, चैनल बनाना है तो हम पीन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये हमारा तो हैंडल हो ही गया है। तो दोस्तों बहुत ही इजी है क्रॉस पिन हैमर बनाना, इसके आपने पार्टों को भी देख लिया है और डायग्राम कैसे बनेगा उसको भी देख लिया है, तो आप इसको अपनी कॉपी में बना के देख सकते हैं। और थोड़ी सी यहाँ पे आप इन लाइनों को ज़रूर डाल दें जिससे कि हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ये हैमर में बस। इससे क्या जाता है कि जो पार्ट में अलग अलग फेस होता है उस पार्ट में वो पता चल जाता है कि ये सतह उस सतह से अलग है। तो ये हैंडल हो गया है, ये पिन हो गई, ये आई होल हो गया है यहाँ पे, उसमें बेज हो गई, ये तुम्हारा फेस हो गया और ये चीक हो गया, और इसमें कोई पार्ट बचता है नहीं। दोस्तों इस डायग्राम को बनाएं और हमारे चैनल ITI स्टडी पॉइंट को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, जिससे कि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले कि दो और मैं जल्दी ही आपके लिए और नई वीडियो लेकर आऊँ।